चलिए। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि राधा रानी की छठी बनानी चाहिए, तो बेसिकली मैं कभी लड़का लड़की में भेद नहीं करती। बड़े सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके घर पे आ, आ, लड़की की छठी बनाई जाती है तो बनाइए, नहीं बनाई जाती तो मत बनाइए। मैं भी यही बोलूंगी, लेकिन मैं बेसिकली लड़का लड़की का भेद नहीं करती, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोगों को भी लड़का लड़की का भेद नहीं करना चाहिए, और आपको भी राधा रानी की छठी अवश्य बनानी चाहिए। मैम, एकादशी के व्रत में दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं एकादशी के व्रत में दूध। दीदी, मैं व्रत रखती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, क्या करूँ? ये क्वेश्चन मुझसे किसी और ने भी पूछा था कि जैसे ही हम व्रत रखते हैं वैसे ही मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं क्या करूँ? जैसे हम व्रत रखते हैं वैसे ही हमारी बॉडी से नेगेटिविटी निकलनी चालू हो जाती है। आप कहोगे दीदी इतनी कितनी नेगेटिविटी बढ़ी पड़ी हमारी बॉडी में कि हर बार हम बीमार हो जाते हैं। आप एक बार नोटिस करके देखिएगा, छोटी सी सत्यनारायण की घर में कथा भी कराने जाते हैं ना, तो 100 बाधाएं आती हैं, रख लूं ना रखूं, ये करूं वो करूं, 100 प्रॉब्लम आती हैं। वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनते बनते कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी पे हमारी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, तो जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर है वो हम पे हावी हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा ये नहीं कि भूत प्रेत चुड़ैल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें तो बॉडी में होती ही होती हैं। तो अगर आप रेगुलर व्रत रखते रहोगे रखते रहोगे रखते रहोगे तो फिर बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको व्रत रखना ही रखना है। बड़े सारे लोग कहते दीदी परिक्रमा करने के छाले निकल गए, तो जब आप परिक्रमा करने जा रहे हो और आपके छाले निकल रहे हो तो आपके पाप कट रहे हैं। जब आप व्रत रख रहे हो और अगर आपको बीमार पड़ गए तो आपके पाप कट रहे हैं। अगर आप सत्यनारायण की कथा करा रहे हो या फिर कोई भी छोटा मोटा घर में फंक्शन करा रहे हो, बाधाएं आ रही है, लेकिन इन सभी बाधाओं को चीरते हुए आपने आगे कर लिया वो काम, तो पाप कट रहे हैं। दीदी पीरस में व्रत का संकल्प हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर करें या मानसिक रूप? नहीं, पीरस में मानसिक रूप से कीजिए, ठीक है? पीरस में कोई भी शारीरिक रूप से व्रत करना है और फोन पे कथा पढ़नी है। व्रत शारीरिक रूप से करना है और कथा फोन पे पढ़नी है। और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीरस में जो कथा पढ़नी जरूरी है लेकिन फोन पे रखिए, और पीरस में एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं जाता, इस बात का भी ध्यान रखिए। दीदी हम दोनों दिन का व्रत रखेंगे, 7 तारीख को पूजा करके दूसरे पूरा को मैं से पूजा पूजा करने का चाय पी सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पी सकते हो, ठीक है? मैं किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि चाय नहीं पी सकते। हाँ इस्कॉन टेम्पल वाले बेशक बोलते हैं कि आप चाय नहीं पी सकते, लेकिन मैंने पर्सनली भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, जैसे कि शिव भगवान विष्णु से संबंधित, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, भागवत हो गई, गर्ग संहिता हो गई है, ठीक है, इन सभी पुराणों मैंने लगभग पढ़ी हैं, तो इनमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप चाय का सेवन नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ इस्कॉन टेम्पल वाले चाय पीने के लिए मना करते हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को, भैया मैं पीती हूँ लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मेरे को चाय अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं अभी चाय मेरी छूट गई है। बिहारी जी के टेम्पल में एकादशी कल है। हाँ जी, बिहारी जी के मंदिर में एकादशी कल ही बनाई जा रही है। बिहार राधा रमन की बात करो तो राधा रमन में एकादशी परसों बनाई जा रही है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन के संतों की बात करें तो जो गौड़ी संप्रदाय है और जो चैतन्य संप्रदाय है वो सभी एकादशी परसों बना रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला ना कि कल अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो कोई दोष नहीं है आपको, आपको एक एकादशी का फल मिलेगा। जो भी एक एकादशी का जो फल मिलता है एकादशी का व्रत रखने से, वो फल आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप परसों व्रत रखते हो तो आपको उस एकादशी में 100 एकादशी का फल मिल रहा है। तो आप मेरा यूट्यूब का परिवार हो तो आपका प्रॉफिट फायदा जिस चीज में होगा मैं वही तो बताऊंगी ना। इस वजह से तो मैं रात को 8 बजे लाइव आई हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि कोई कहीं से कहीं आपको गलत गाइडेंस मिल जाए। मैं बकायदा सारी चीजें प्रमाण के साथ आप लोगों को बताती हूँ और हर बार बताती हूँ, एक से एक मेरी जो पूजा विधि होती है। आप लोग मेरे को पसंद इसलिए करते हो क्योंकि मेरी जो पूजा विधि होती है बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा काम झाम नहीं होता उसमें, बहुत सिंपल तरीके से होती है। तो राधा अष्टमी जिन्होंने भी बनाई है, राधा जी की छठी जरूर बनाइए, मैं वीडियो डाल दूंगी। बहुत ईजी है राधा जी की छठी बनाना, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से राधा जी की छठी हम लोग बनाएंगे और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दूंगी। यस जी दीदी, क्या हम खुद स्नान करने से पहले सुबह लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं? प्लीज बताइए। आप हर किसी के घर में ये रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? कोई